हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम आसान स्टॉप की सहायता से अपने मोबाइल से TAF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने का तरीका। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि स्टाफ कॉर्नर पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाए। दोस्तों, वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन किया था और वहाँ से हमारे आईडी और पासवर्ड जनरेट हुए थे। साथियों, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, उन्हीं आईडी और पासवर्ड की सहायता से आज हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में बहुत ही आसान स्टेप्स की सहायता से TAF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरना सीखेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर आएंगे और यहाँ पर शाला दर्पण टाइप करेंगे। शाला दर्पण टाइप करने के बाद में आपको यहाँ जो पहला लिंक है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से साइट ओपन होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्टाफ विंडो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मिला स्टाफ विंडो। सेकंड ऑप्शन है स्टाफ विंडो। दोस्तों, जैसे आप यहाँ स्टाफ विंडो पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में हमें लॉगिन का ऑप्शन मिलने वाला है। दोस्तों, हमें कहीं नहीं जाना है। यहाँ आप ऊपर देखोगे टॉप पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाफ लॉगिन एंड होम। तो यहाँ पर हमें स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करना है। हमारे आईडी और पासवर्ड पहले जनरेट कर चुके हैं तो उन्हीं आईडी पासवर्ड की सहायता से हमें स्टाफ लॉगिन करना है। यह हमारा व्यक्तिगत लॉगिन होगा तो हम यहाँ पर लॉगिन करने वाले हैं। देखिए, यह पेज खुला है, पेज ओपन हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ स्टाफ विंडो है ये, और यहाँ पर लॉगिन पर लिखा हुआ स्टाफ लॉगिन। जब हम शाला दर्पण लॉगिन करते हैं तो स्कूल लॉगिन आता है और अभी यहाँ पर स्टाफ लॉगिन आया है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना है आपका यूजर नेम। तो पूरा पेज खुल रहा है, पूरा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपके आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर यहाँ पर डालूँ तो यहाँ पर मैंने आईडी डाला और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाला और उसके बाद में मैं यहाँ पर अपना कैप्चा डाल रहा हूँ। जैसे मैं कैप्चा डालूँगा तो मेरा जो होम पेज है वो ओपन होने वाला है। आपको यहाँ पर आपका होम पेज मिलने वाला है। आप बिल्कुल सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉगिन स्टाफ कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का है, अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है और एक यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ TAF। तो दोस्तों, हमें TAF पर क्लिक करना है। जैसे हम TAF पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2019 और 20। दोस्तों, ये 2019 और 20 के लिए शिक्षक मूल्यांकन 2019-20 के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आवश्यक जो एंट्रियाँ हैं वो करनी है। SI नंबर आपको यहाँ पर डालना है। आप संस्था प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है और यहाँ पर आपको सत्यापित कर देना है। जैसे आप यहाँ सत्यापित करेंगे आपको इस तरह से एक पेज ओपन होने वाला है। ये दोस्तों TAF का पहला भाग है। इसे आपको पढ़ाई जाने वाले सभी विषय दिखाई गई हैं, क्लास दिखाई गई हैं और इसमें भी आपको आवश्यक जो जानकारियाँ हैं आपकी वो लास्ट तक सेव करनी है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको TAF जो है उसका सेकेंड पार्ट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, उसको भी आपको सेव करना है एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप करेंगे आपको TAF का भाग थर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नॉर्मल जो डिटेल्स हैं वो आपको भरनी है और भर करके सेव करनी है। दोस्तों, ये आपका इस तरह से TAF कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।